नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। फुट एंड एंकल के जितने भी चोट लगते हैं और हड्डियों का फ्रैक्चर होता है, उनमें से एंकल का फ्रैक्चर बहुत ही कॉमन है और एक बहुत ही अलग तरीके से फ्रैक्चर होता है। इसका महत्व तो कुछ अलग ही है, क्योंकि एंकल जॉइंट में जब होता है इंजुरी और फ्रैक्चर होता है, सिर्फ फ्रैक्चर नहीं होता है, साथ में इसका कुछ लिगामेंट का भी इंजुरी होता है। सो आज के दिन में हमारा एंकल जॉइंट फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट में जो कॉन्सेप्ट है, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं, काफ़ी सारे नया चीज़ें हमें पता लगी है। एक समय था जब एंकल जॉइंट के फ्रैक्चर होता था, सबको प्लास्टर लगा दिया जाता था, बोला जाता था कि यही काफ़ी है और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखा गया है कि एंकल जॉइंट फ्रैक्चर के बाद से प्लास्टर देने से हड्डी तो जुड़ जाता है, लेकिन उसके बाद लॉन्ग टाइम में उनके जो रिकवरी है वो इतना अच्छा नहीं हो पाता है। एक्टिविटी लेवल में कुछ ना कुछ कमी रह जाता है, कुछ ना कुछ क्रॉनिक पेन डिजेबिलिटी रह जाता है। क्यों ऐसा होता है, ये समझने के लिए पहले जानते हैं कि होता क्या है एंकल जॉइंट फ्रैक्चर में। यूजुअली जो एंकल जॉइंट फ्रैक्चर है, इसका हम बोलते हैं मैल्यूलर फ्रैक्चर। इस नाम का एक कारण है क्योंकि हमारे एंकल जॉइंट में दोनों तरफ के दो प्रोमिनेंट हड्डी है, इसको मैल्यूलस कहते हैं। जो अंदर की तरफ है मिडिल मैल्यूलस, और पीछे की तरफ के जो होता है इसको लेटरल मैल्यूलस। मिडिल मैल्यूलस जो है हमारा जो मोटा बोन है, टिबिया है, उसका हिस्सा है, और लेटरल मैल्यूलस साइड का जो पतला बोन है उसका हिस्सा है। इस दोनों बोन मिलके एक मोर्टिस बनाता है, जिसके अंदर टैलस बोन रहता है, और इस टैलस बोन के साथ इस एंकल मोर्टिस का लिगामेंट का एक स्ट्रक्चर्स है जो स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। एंकल फ्रैक्चर के मैकेनिज्म जो है वो एंकल स्प्रेन का जो मैकेनिज्म है लगभग सेम है। जिस तरह से एंकल स्प्रेन होता है उसी तरह से एंकल का फ्रैक्चर होता है। सिर्फ जो इंटेंसिटी ऑफ फोर्स वो एंकल स्प्रेन से ज़्यादा होता है, और कुछ एंगल्स जो होता है, फुट का जो पोजिशन होता है उस पोजिशन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। एंकल फ्रैक्चर किसको होता है, देखा गया है कि ये यंग एज में इवन ओल्ड एज में दोनों में एंकल फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। यंग एज में साधारण तो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इस तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो पार्ट्स लेते हैं, दौड़ते भागते खेलते कूदते समय, और नहीं तो कोई ऊंचाई से गिरने के वजह से, स्टेयर से गिरने के वजह से एंकल फ्रैक्चर होता है। और ओल्ड एज में हड्डी कमजोर होने के कारण से, ऑस्टियोपोरोसिस के कारण से, सिंपल से जो मोच आता है उसी मोच से एंकल फ्रैक्चर हो जाता है। जब एंकल फ्रैक्चर होता है उस टाइम हड्डी टूटने के साथ साथ और दो लिगामेंट का इंजुरी भी होता है, जो बहुत ही कॉमन इंजुरी है, जिनमें से एक है एंकल जॉइंट में बोला था कि दो हड्डी है, एक टिबिया एक फिबुला। इस दोनों हड्डी को इकट्ठे जोड़ के रखने के लिए, एंकल मोर्टिस को बनाने के लिए, अर्थात एंकल जॉइंट का जो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा जो है वो इस दोनों हड्डी से बनता है और नीचे का हिस्सा जो है वो टैलस बोन के दर्द बनता है। तो इस दोनों हड्डी को इकट्ठे जोड़ के रखने के लिए दोनों हड्डी के बीच में कुछ लिगामेंट्स होता है, जिसको बोलते हैं सिंडेस्मोटिक लिगामेंट, जो एंकल जॉइंट के स्पेस को मेंटेन करता है, और वो स्पेस होता है टैलस का जो साइज है उस साइज के हिसाब से, ताकि बिल्कुल उस गैप के अंदर टैलस जाकर बैठ जाए। जब एंकल का फ्रैक्चर होता है, ये दोनों हड्डी टूटता है, उस टाइम ये टैलस बोन उस फ्रैक्चर वाला हड्डी को साथ में लेके चले जाते हैं, और जब चले जाते हैं उस टाइम ये जो बीच का लिगामेंट है दोनों हड्डी के बीच में, उस लिगामेंट को भी तोड़ देते हैं, लिगामेंट फट जाता है। इसका मतलब एंकल फ्रैक्चर सिर्फ फ्रैक्चर नहीं है, ये फ्रैक्चर भी है, साथ में लिगामेंट का इंजुरी है, और जोर हिल जाना है, मतलब डिसलोकेशन हो जाना है। सो एक तरह से इसको हम कह सकते हैं एंकल फ्रैक्चर डिसलोकेशन, साथ में लिगामेंट की इंजुरी। मान लीजिए कि हम इस तरह का चोट को सिर्फ प्लास्टर के द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उसमें क्या होगा, जब हम प्लास्टर के द्वारा ट्रीटमेंट करना चाहते हैं उस टाइम पे इस एंकल जॉइंट की जो कॉन्ग्रुइटी, जो भी फ्रैक्चर होता है जोड़ के पास, उसका ट्रीटमेंट का सबसे पहला जो शर्त होता है वो है कि जॉइंट के सरफेस को
मैच कराना। जब प्लास्टर लगा के ट्रीटमेंट करते उस टाइम उस जॉइंट सरफेस को पहले मैच करना मुश्किल होता है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो लिगामेंट इंजरी हुआ, दोनों हड्डी अलग हो गया प्लास्टर के दौरान, इस दोनों हड्डी को आपस में उसके जगह पे ले आना मुश्किल होता है। हम कुछ भी करें दोनों हड्डी प्रॉपरली एक जगह पे नहीं आते हैं, और एंकल जॉइंट के जो गड्ढा बनना चाहिए जिसके अंदर टैलस जाकर बैठ जाए वो अपना साइज में नहीं बन पाते, वो बड़ा बन जाता है। मान लीजिए टैलस का जितना साइज है और अंदर की वो जो गैप है उससे बड़ा है, हड्डी जुड़ गया फिर आप चलना फिरना शुरू किया, तब क्या होगा, टैलस उसके अंदर घूमता रहेगा इधर उधर। जब ऐसे घूमता रहेगा तब जॉइंट में स्ट्रेस आएगा और जॉइंट में बहुत जल्दी आर्थराइटिस का चेंजेस आ जाएगा। इसीलिए अगर एंकल फ्रैक्चर हुआ हुआ है और आपको लगे छोटा सा दो हड्डी टूटा हुआ है, इसके लिए सर्जरी क्या करना है, बात इतना साधारण नहीं है, क्योंकि हड्डी तो जुड़ जाएगा प्लास्टर लगाने से, अगले 10 साल में क्या होगा वही चिंता है। अगर वो चिंता आपके अंदर है तो एंकल फ्रैक्चर हो रहा है और सर्जरी के लिए एडवाइस किया जा रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं करना, और सर्जरी करने के समय भी जो सर्जरी होता है वो प्रॉपरली होना चाहिए, सारे टुकड़े जो है सारे जोड़ना चाहिए प्रॉपरली, उसको सॉलिडली फिक्स करना चाहिए। सो एंकल फ्रैक्चर कोई साधारण फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ प्लास्टर लगाने से एंकल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। मैक्सिमम एंकल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट सर्जरी करके करना चाहिए, बहुत ही थोड़ा बहुत इंजरी होता है जो प्लास्टर से सही हो जाता है। लेकिन कौन सा फ्रैक्चर प्लास्टर से होगा ट्रीटमेंट, वो सिद्धांत लेने के लिए भी प्रॉपरली कुछ एक्सरे करके देखना होता है कि वो फ्रैक्चर के बाद एंकल जॉइंट में कोई इंस्टेबिलिटी है कि नहीं। अगर इंस्टेबिलिटी है तो प्लास्टर देके उस एंकल फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और एंकल फ्रैक्चर के सर्जरी के बारे में आपका जो द्विधा है, जो अहेतुक डर है, उस डर को हटाने में सहायक करेगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और आपके इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरह से दे पा रहे हैं तो ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम रखें आपका ख्याल।